सेम। ये हैं देव बाबू। देव बाबू कहाँ है पारो, ये बताइए। पारो कहाँ रहेंगे भैया? आप पारो कौन सी पारो की ढूंढ रहे हैं वो जो पता पर्दे पे आपके साथ नजर आई थी, पारो पारो कहाँ है? चंद्रमा? अभी तक तो कोई पारो बने नहीं पर्दे पे, बने तब तो जरा बनने को मिले। अधिकतर में देखा जाता है आजकल उत्तर प्रदेश में आप शूटिंग के लिए व्यस्त रहते हैं, क्या कुछ चल रहा है शूटिंग का चल रहा व्यस्त है? क्या रहते हैं भाई, देखिए हम कलाकार आदमी है, जहाँ हमको बुलाया जाता है वहाँ जाते हैं। अब ऐसा कभी कभी लगने लगता कि लगता है यूपी में बस जाइए वही पड़ जाए। और दूसरी बात है कि इतनी गर्मी में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन मैं काम है करना पड़ेगा तो जाता हूँ, इसीलिए जाना पड़ता है। जहाँ फिल्म शूट होती है वहीं लोग बुलाते हैं, यही है। लेकिन सब फिल्मों में नहीं बुलाते हैं, लोगों को आजकल लगने लगा कि यार इतना महंगा टिकट है तो क्यों बुलाए, तो कम से कम वहीं के लोकल कलाकारों को ले लिया जाता है। ये अच्छी बात है, लोकल कलाकारों के लिए सुनहरा मौका है, अच्छा काम करिए और अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते रहिए। क्या कुछ शूटिंग चल रही है इस वक्त, ख़त्म करके पहुँचे आप बॉम्बे? मैं अभी अवैध फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके आया हूँ, साथ में मैंने एक फिल्म की थी हारमोनिया, और साथ में वजह तुम हो, और एक फिल्म और की है मैंने जिसका नाम है बहुत प्यारा नाम है शुभारंभ। तो ये सब फिल्में करके अब मैं अभी बॉम्बे लौटा हूँ। और लेकिन इसमें अवैध बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि काफ़ी समय के बाद मैं खेसारी जी के साथ काम किया इस फिल्म में, और मेरे देखिए डायरेक्टर फिल्म का बहुत ही ह्यूज फिल्म बन रही है पार्ट वन पार्ट टू में, तो इस फिल्म में मेरा काम समाप्त करके मैं सीधा बॉम्बे आया। क्या करेक्टर है फिल्म में आपका? एक इंस्पेक्टर का है, और इंस्पेक्टर हीरो के पीछे पागल रहता है उसे पकड़ने के लिए, और हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं कि ईमानदार उसमें है या घुसखोर है? बहुत ईमानदार हूँ, और इसी वजह से क्योंकि हमेशा फिल्मों में घुसखोर इंस्पेक्टर रहते हैं। हाँ, हमने वही गलती कर दी, शुरू से घूस लेना शुरू कर दिया, तो लोग ईमानदार जल्दी नहीं पिकअप करते हैं। लेकिन एक कलाकार के लिए किरदार निभाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो उसे मिले जो मिलता है मैं उसको मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ, इसमें भी देने की कोशिश की। खेसारी लाल भी इस वक्त बहुत गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं अवैध की फिल्म की, क्या उम्मीद है आपको? बहुत चर्चा है फिल्म की, बहुत कहानी बहुत रियलिस्टिक है फिल्म की, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है अवैध भोजपुरी में एकदम नया नाम है, और पूरी फिल्म एक मुंगेर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड है, एक आम डीलिंग के ऊपर, तो नई कहानी है, रियलिस्टिक कहानी है। इसमें खेसारी जी जी का भी अद्भुत है, और हर फिल्मों की तरह नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है अनुराग कश्यप की फिल्म जो थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है? देखिए कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है, लेकिन मैं जैसे एक रियलिस्टिक अप्रोच है फिल्म में, तो मैं ये कहूँगा, और हम अनुराग कश्यप से क्यों तुलना करें, हम अपनी फिल्म बना रहे हैं, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो तुलना करना किसी से मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, हम अपने हिसाब से फिल्म बना रहे हैं, हमारा हमारे कलाकार अलग हैं, हमारे तरीका अलग है काम करने का। तो अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर से मुझे नहीं लगता तुलना करना चाहिए एक, लेकिन यह भोजपुरी में बहुत अच्छी प्यारी अद्भुत फिल्म बन। अभी क्या क्या शूटिंग होने वाला है लेटेस्ट में? अभी तो मैं लखनऊ जा रहा हूँ 15 तारीख की शूट करने, और उसके बाद काठमांडू जाना है, तो फिलहाल तो अभी दो ही फिल्म है मेरे हाथ में। चलिए जाते हैं, दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार देते सोशल मीडिया पर ऐसे देते रहिए, और आप लोगों का साथ है तो अच्छा लगता है कि आप सब हमारे साथ खड़े हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।